सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश जैन। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छा एथलीट से अच्छा प्लेयर है अचानक खेलते खेलते या मैराथन में दौड़ लगाते लगाते अचानक से गिर गया, उसको कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। ये जो बीमारी होती है ये अक्सर हार्ट के कारण होती है और इस बीमारी का नाम होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट के दीवार की मोटाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और यही एक मुख्य कारण होता है ऐसे लोगों में कार्डियक अरेस्ट होने का और तुरंत मृत्यु हो जाने का। तो इसके बारे में कैसे मालूम चले, इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप अपने हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी कराएं, जरूरत पड़े तो ECG भी कराएं। और ये अक्सर 5 साल की उम्र से 21 साल की उम्र के बीच में ये इको में इसका मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिल जाती है। इससे अपन मालूम कर सकते हैं समय पे कि किसी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है तो उसको अपने घर में सभी लोगों का जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं उनका इको की जाँच कराना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।